महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए तमाम सियासी दल जनता को रिझाने में लगे हैं। कोई युवाओं को भत्ता देने की बात कर रहा है तो कोई 10 रुपए में खाना, और अब बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी देने से लेकर प्रदेश को राम राज्य बनाने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जहां प्रचार प्रसार से जनता के दिलों में जगह बनाने में लगे हैं, तो वहीं वादों और दावों के जरिए भी लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। सूबे में सभी दलों के घोषणा पत्र जारी करने के बाद आज बीजेपी ने भी संकल्प पत्र नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इस संकल्प पत्र में आगामी 5 सालों में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का वादा किया गया है। मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइपलाइन से आपूर्ति कराई जाएगी। आने वाले 5 सालों में कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से ज्यादा बिजली पहुंचाई जाएगी। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का निर्माण किया जाएगा। करोड़ों परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 2022 तक सभी घरों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राज्य की सभी सड़कों को स्थायी मरम्मत और देखभाल के लिए स्वतंत्र तंत्र का निर्माण किया जाएगा। भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का भी वादा किया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार से ये मांग करेगी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। तो बीजेपी ने चुनावी वादे और दावे तो कर दिए हैं, लेकिन ये वादे जनता को कितना लुभा पाते हैं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।